أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی، سامعین محترم، محرم الحرام 1442 ہجری آج اس کے دوسرے جمعہ کے موقع پر ہم سب جمع ہیں. محرم الحرام کا مہینہ انسانی تاریخ میں اور پھر اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. منبر و محراب سے محرم الحرام کے مہینے میں اس چیز کا تعین کرنا کہ اس اہم مہینے میں اس سے مناسبت رکھنے والے اہم موضوعات میں سے کس ترتیب سے کن کن موضوعات پر بات کی جائے، تو ایک خطیب کے لیے، ایک واعظ کے لیے، خاص طور پر ایسے منبر و محراب سے کہ جہاں محض روایتی اور قصہ گوئی نوعیت کی چیزیں نہیں بلکہ دین کے حقیقی پہلو اپنے آڈینس کے سامنے، اپنے سامعین اور ناظرین کے سامنے پیش کرنا مقصود ہو اور دین کا حقیقی اور جامع تصور جہاں پہ پیش کیا جاتا ہو، تو اس موقع پر یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں نے یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ انتہائی اہم ہے. سورۃ توبہ کی یہ آیت مبارکہ ہے. اس میں اللہ جل شانہ نے جو نظام انسانوں کو دیا ہے اس کا ایک حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس کو صحیح صحیح چلانے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، بلکہ تعلیم دی ہے. سورۃ توبہ چونکہ منافقین پر ان کے رویوں کی تردید اور اسی طریقے سے وہ لوگ
जो मुसलमानों के अंदर रखना अंदाजी की कोशिश करते हैं, मुनाफ़िकाना अंदाज में रहते हैं, या इसी तरीके से मुसलमान होने के बावजूद गफलत में पड़े रहते हैं, उन लोगों के रवैयों की इस्लाह की है और उन्हें तंबीह की है। उसमें जो उस वक्त के मौजूदा हालात थे, मौजूदा जो मुनाफिकीन थे या ईसाइयों और यहूदियों के जो रवैये थे, यानी मुनाफिकीन तो वो थे जो मुसलमानों की सफ़ों में घुसे, लेकिन उनका उनके मुताल्लिक़ कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ना तो वो उनमें से हैं और ना उनमें से हैं। और यहूदो नसारा के पास आसमानी किताबें और अल्लाह जल्ला शानहु की तरफ से तालीमात मौजूद थीं। उनका गुनाह ये था कि उन्होंने उसमें अपनी ज़रूरत की तहरीफात, जब भी ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह ताला के अहकाम को समझने की बजाय, उनको अपनाने की बजाय, उन्हें किताब के अंदर से उठा के एक तरफ़ किया और अपनी मर्ज़ी की तहरीफात और तावीलात उसके अंदर घड़ ली। फिर इसी तरीके से मक्का मुकर्रमा में जो मुशरिकीन थे, उनका तरीक़े ज़िंदगी ये था कि वो चंद फरसुदा किस्म की ऐसी उनकी ख्वाहिशात थीं, उनके अपने बनाए हुए मुख्तलिफ रस्म व रवाज थे, और कोई मसखशुदा किस्म की वो तालीमात थीं जो दीन इब्राहीम से चली आ रही थी। इस्लाम का और कुरान मजीद का ये एजाज़ और एजाज़ है कि इंसानियत को मुकम्मल रहनुमाई सही तरीके से मिनो अन, जिस तरह इंसान की ज़रूरत थी और पहले अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिस तरीके से आती रही, उसी को सही अंदाज में मुकम्मल तौर पर हमेशा हमेशा के लिए इंसानों के हवाले कर दिया। और जनाब सैयदना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत फरमाई और आपके ज़रिए एक मुकम्मल दीन इंसानों को अता किया, जो कि कुरान मजीद की शक्ल में महफूज है। और इसके मुतालिक अल्लाह जल्ला शानहु फरमाते हैं व अनज़लनाहु बिलहक़ नज़लनाहु बिलहक़ कि अल्लाह ताला ने इसको हक़ के साथ नाजल किया है और ये हक़ के साथ ही नाजल हुआ है। तो इसमें किसी तरह की कोई ऐसा तखमीना नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है, बल्कि ये हकीकत में मबनी तालीमात का मजमूआ है जिसकी इंसान को हमेशा हमेशा ज़रूरत रही है और हर दौर में इंसान इसका मोहताज रहा है। जब इंसान ने इसको सामने रखते हुए अपनी ज़रूरत पूरी की है तो उसकी ज़रूरत सही तरीके से पूरी भी हुई और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून और राहत भी मुयस्सर आई। जब उसने इसको छोड़ के तखमीने अंदाजे अपनी तरफ से कोई चीज़ें घड़ लीं तो इसका पूरा निज़ाम धर्म भ्रम होकर रह गया। हाज़रीन मोहतरम, इन्हीं आयात मुबारक की रोशनी में हम देखते हैं, या मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से हम देखते हैं, ये महीना इंसानी तारीख में इस एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है कि जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इसी महीने में और आशूरा के दिन हुई और जन्नत भी इसी दिन अल्लाह जल्ला शानहू ने बनाई। और फिर जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत अर्ज़ी जब ज़मीन पे उतारा तो वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। फिर जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जो ठहरी, बड़ा अजाब आया उस वक्त, बहुत फैला हुआ उस वक्त की मौजूद पूरी इंसानियत उस अजाब की लपेट में आ गई, तो उस अजाब से जो निजात मिली जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को, वो भी इसी दिन निजात मिली। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर में इसको तफसील के साथ ज़िक्र किया है। फिर इसी तरह जनाब सैयदना यूनस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिस दिन उन्होंने ये पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला ने इसी दिन उनको मछली के पेट से निजात अता फरमाई। फिर जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जिस दिन फिरौन और इसी तरीके से उसके हवारियों और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के दुश्मनों से जिस दिन निजात मिली, वो दिन भी यही है। फिर इसी तरीके से हम इस्लामी तारीख़ में जब दाखिल होते हैं
तो ये दिन इस एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल हो जाता है कि इसी तारीख को खानवादा रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के वो ऐसी हस्तियां और ऐसी शख्सियात के जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर आपके फ़ज़ाइल बयान फरमाए और उनके फ़ज़ाइल और उनकी अज़मत में यही काफ़ी है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पे खुतबा अरशाद फरमा रहे हैं और सामने से जनाब हसनैन करीमैन रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन वो भागते हुए आ रहे हैं। एक भाई को ठोकर लगती है, वो नीचे गिरते हैं, तो नबी अकरम इससे पहले के सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन उनकी तरफ मुतवज्जे हों और उन्हें पकड़ें, क्योंकि इस्लाम की तालीम ये है कि जब खुतबा हो रहा होता है तो उस वक्त किसी से बात भी नहीं कर सकते, उस वक्त किसी को इशारा भी नहीं कर सकते, किसी तरह की कोई हरकत नहीं कर सकते, बड़ी यकसुई के साथ बड़ी तवज्जो के साथ खुतबे की समात करनी है। लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौका पर जब के खुतबा अरशाद फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन खुतबा समात फरमा रहे हैं, हसनैन करीमैन मासूम बच्चे हैं, भागते हुए जब मस्जिद नबवी में अपने नाना की तरफ आते हैं, रास्ते में ठोकर लगती है, गिरते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मिंबर से उठ के जाके फौरी तौर पर उठाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं और अपने साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बिठाते हैं। इसके बाद फिर उनकी पूरी ज़िंदगी ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ मोहब्बत, उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, हत्ता कि जब कुरान मजीद की ये आयात मुबारक नाजल होती हैं कि जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात के लिए ख़ास तौर पर हिदायत अरशाद फरमाईं और उनके मुतालिक अरशाद फरमाया अल्लाह जल्ला शानहू ने कि युरीदुल्लाहु लियुतहिरकुम, कि अल्लाह जल्ला शानहू चाहते हैं कि इनको पाकीज़ा कर दें और इनको अल्लाह जल्ला शानहू वो तहारत का और अज़मत का मकाम अता फरमाएं। कुरान मजीद की यह आयात नाजिल हुई। अगले ही दिन या कुछ ही वक्त बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमाए हैं, यानी यह आयत मुबारक युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अनकुम रिज्सा अहलिल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा, यह आयत जब नाजल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं कि दरवाज़ा खटखटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हसनैन करीमैन आए हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और बुला के एक तरफ जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ पकड़ के अपने साथ बिठाया, दूसरी तरफ जनाब सैयदा फ़ातिमा तुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ पकड़ के बिठाया, हसनैन करीमैन को एक भाई को अपने दाएं अपनी गोद में दाएं तरफ बिठाया और दूसरे भाई को अपने बाईं तरफ बिठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका की तिलावत फरमाई। चूँकि ये आयत मुबारका अज़वाज मुतहरात के मुतालिक नाजल हुई थी, पीछे का सियाक व सुबाक बता रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ला शानहू की मंशा के मुताबिक अपने इस ख़ानदान को, अपने इन नवासों को, अपने दामाद जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा को, अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा तुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस एज़ाज़ से, जो एज़ाज़ अज़वाज मुतहरात के लिए अल्लाह जल्ला शानहू ने नाजिल किया था, उस एज़ाज़ से इनको भी अपने साथ शामिल किया और अपनी चादर के अंदर लपेट लिया। तो हाज़रीन मोहतरम, इस तरह जनाब हसनैन करीमैन रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन और आले रसूल की जो शान और जो अज़मत और जो मकाम है, हम देखते हैं कि करबला में 10 मुहर्रमुल हराम को जनाब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपने ख़ानदान की एक बड़ी के तादाद के साथ अल्लाह जल्ला शानहू के रास्ते में जाम शहादत नोश करते हैं। तो इस तरीके से इस्लामी तारीख और फिर इसी महीने की यकम तारीख को, इससे पहले जिस तरह के पिछले जुमे में बयान हो चुका है, जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आता है, जो कि एक बहुत बड़ा सानिया है कि वो हस्ती जिनके मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور جب اللہ جل شانہ سے مانگا تو ان الفاظ کے ساتھ مانگا کہ یا رب العالمین، ان دو شخصیات میں سے جسے تو پسند کرتا ہے، عمر بن ہشام یا عمر بن الخطاب، جن میں سے یا اللہ تو پسند کرتا ہے، جسے جس سے تو محبت رکھتا ہے، اسے اسلام کی عزت کے لیے اسلام میں داخل فرما۔ تو اللہ جل شانہ کی جو پسند تھی، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ اس اعتبار سے پوری انسانی تاریخ اور پھر اسلامی تاریخ میں عظیم اس طرح کے واقعات سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے، اور موضوعات میں سے اگر کسی موضوع کا تعین کرنا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایسے میں جو چیز اس وقت خاص طور پر امت مسلمہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے پھر یوم عاشورہ کے حوالے سے انشاءاللہ عزیز بات کریں گے۔ جہاں تک اسلامی تاریخ کا تعلق ہے، چونکہ مسلمانوں کا جو ہجری سال ہے، جو مسلمانوں کا جو اسلامی کیلنڈر ہے، اس کا آغاز بھی محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں مختلف کیلنڈر رائج ہیں، تقریباً 40 کے قریب کیلنڈر ہیں جو اس وقت انسانوں کے درمیان رائج ہیں، جن میں جو مشہور ہے اور جو اس وقت جس کو لوگ زیادہ جس کو فالو کرتے ہیں وہ عیسوی کیلنڈر ہے، جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو اس وقت سے وہ چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے ایک بکرمی کیلنڈر ہے جس کے اندر مختلف اصلاحات ہوتی رہیں، اور وہ اس سے بھی پہلے کا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف کیلنڈر ہیں، یعنی برِ صغیر میں ہمارے میں بکرمی کیلنڈر چلتا ہے، اور اسی طرح عیسوی کیلنڈر چلتا ہے، پھر اسی طریقے سے فارسی کا ایک کیلنڈر ہے جو ایران اور افغانستان کا سرکاری کیلنڈر ہے۔ تو ان کیلنڈروں کے ساتھ ساتھ جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کی اپنی ایک اہمیت اور اپنی ایک فضیلت ہے۔ اس کے متعلق اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کا نظام بنایا ہے، اس وقت سے جو کیلنڈر چل رہا ہے اور اس وقت سے اللہ کا جو نظام ہے وہ اس کے مطابق ہے جو کہ اس وقت مسلمانوں کا کیلنڈر ہے۔ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اسی طریقے سے جمادہ اولی، جمادہ ثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، تو یہ جو مہینے ہیں تو یہ وہ اسلامی سال کے گویا کہ قمری سال کے مہینے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا 4 حُرُم، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے اس وقت سے اللہ جل شانہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ 4 مہینے محرم الحرام، اس سے پیچھے 2 ذوالحجہ، پھر اسی طریقے سے ذوالقعدہ، یعنی یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر ایک مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والے اور اسی طرح عزت اور تعظیم والے مہینے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس اعتبار سے قرار دیا کہ ان میں کسی طرح کی کوئی لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، اسی طریقے سے کسی طرح کا ایسا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں بھی اسی طریقے سے ان 4 مہینوں میں کسی طرح کی کوئی لڑائی جھگڑا، کسی طرح کی کوئی قتل و غارت گری، کسی طرح کا کوئی بھی ایسا واقعہ، اس سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی دانستہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اسی طریقے سے باقی مہینے ہیں کہ ان میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس لڑائی جھگڑے کو ویسے تو اسلام منع کرتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے، لیکن اگر انسانوں کے نظام میں کسی طرح کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی جہاد کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر کسی طرح کا کوئی قتال، لڑائی جھگڑا، کوئی ایسا خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کا تذکرہ کیا وہ 4 مہینے یہ ہیں کہ جو اسلامی مہینوں کے اندر ہیں، باقی بھی جو 12 مہینے ہیں
ये वही हैं जो इस्लाम के अंदर, इस्लामी तारीख के अंदर जिनकी वो तरतीब पाई जाती है, मुहर्रम से शुरू होकर ज़ुलहज्जा तक के ये महीने हैं। जबकि इनका जो अल्लाह ताला ने इस जो निज़ाम बनाया है, कुदरती निज़ाम, उसमें किसी तरह की कोई ऐसी कमी बेशी, कोई नक्स नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में जो ईसवी कैलेंडर है, या इसी तरीके से जो बिक्रमी कैलेंडर है, या इसी तरीके से जो फारसी कैलेंडर है, या इंसानों के और जितने भी बनाए हुए कैलेंडर हैं, चूँकि वो इंसानों के बनाए हुए हैं, ये जो कैलेंडर इस्लामी कैलेंडर है, ये अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ से अता करता है, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ कैलेंडर है। और बाकी जितने भी कैलेंडर हैं वो इंसानों के बनाए हुए, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने ज़िंदगी के निज़ाम को चलाने के लिए इंसानों ने उनकी तरतीब दी, और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ भी करते रहे। अब वो कैलेंडर अपने अंदर जो नक्स और कमज़ोरियाँ जो रखते हैं, उनको दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ इंसानी बिसात हुई, मुख्तलिफ़ इंसानी कोशिशें हुई। उसकी वजह यह है कि उसका जो मदार है वो एक साल के अंदर पूरे के अंदर ज़मीन जो सूरज के अपनी गर्दश और अपना चक्कर मुकम्मल करती है, उस बना पर उसको मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए कहा जाता है कि 365 दिन में वो अपना चक्कर मुकम्मल करता है सूरज, ज़मीन अपने सूरज के गिर्द। जबकि हम तो 365 दिन के बाद साल तब्दील कर लेते हैं, और हकीकत ये है, फलकियात के माहरीन ने ख़ुद इसको ज़िक्र किया है, वो कहते हैं जबकि हर साल 5 घंटे 40 मिनट और तकरीबन 46.47 सेकंड या 47 सेकंड, जो कि तकरीबन इस तरह अगर इसे कहें कि हर साल में 5 घंटे और तकरीबन 41.45 मिनट, ये हर साल में बढ़ जाते हैं, हर साल इनका इजाफा हो जाता है। जिस इजाफे को पूरा करने के लिए शहनशाह रूम जोलिस सीरीज़ ने इसको अपने तौर पर इसके अंदर लीप के साल का इजाफा किया कि हर 4 साल के बाद फरवरी में एक दिन बढ़ा दिया जाए, यानी बाकी सालों में 28 दिन होते हैं, और उस दिन उन्हें चौथे साल में एक दिन बढ़ा दिया जाए ताकि ये तादाद पूरी हो जाए। लेकिन चूंकि इंसानी निज़ाम है, इंसानी निज़ाम कभी भी फितरत के मुताबिक नहीं हो सकता। फितरत अल्लाह ने बनाई है, और अल्लाह ने जो निज़ाम इंसानों को दिया है, अल्लाह जल्ला शानहू का निज़ाम जिस तरह फितरत के साथ मुताबकत रखता है और इंसानों की ज़रूरत को पूरा करता है, और किसी तरह की उसमें कोई ऐसी कमी बेशी नहीं हो सकती है, तो उसके मुकाबले में इंसानों का निज़ाम, चाहे कितनी भी उसके लिए मेहनत हो, कितनी भी उसके लिए जद्दोजहद हो, कितनी भी उसके लिए कोशिशें कर ली जाएँ, कितने भी उसके लिए वसाइल और आलात और उसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी इख्तियार कर ली जाए, बहरहाल कहीं ना कहीं जा के कोई ना कोई सुकम रह जाता है। अब उससे होता ये है कि 4 साल के बाद, 4 साल के बाद जो एक दिन शामिल किया जाता है, वो दिन अब पूरे 24 घंटे उसके होते नहीं हैं, लेकिन बढ़ा लिए जाते हैं। तकरीबन हर चौथे साल में 11 मिनट और कोई 16 सेकंड का फ़र्क पड़ता है, जो कि एक सदी बाद जाके फिर जो लीव का साल आता है उसको ख़त्म किया जाता है। और इस तरीके से यानी कोशिशें करके, और बाकी जो बिक्रमी साल है उसमें भी यही एक लीव का या इसी तरीके से लौंदा का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये तरीके इख्तियार किए जाते हैं। इसी तरीके से फ़ारसी के सालों में भी लीव के साल मुतय्यन किए जाते हैं। जबकि जो निज़ाम अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया है, और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह जल्ला शानहू के सामने सजदा रेज़ हैं इस पर कि उसके अमीन और उसके वारिस उस निज़ाम के हम हैं। लेकिन इस पर अफसोस और दुख भी है कि उस निज़ाम के अमीन होते हुए भी हम ना तो उस निज़ाम को समझने के लिए तैयार हैं, ना उस निज़ाम को इख्तियार करने के लिए तैयार हैं, ना उसके साथ हमारी कोई निस्बत है। महज़ ये है कि वो किताबों में चल रहा है, महज़ ये है कि वो औराक़ में चल रहा है, या जो हमारे बड़े मजबूरी के मकामात हैं जिनको अल्लाह जल्ला शानहू ने उसके साथ ऐसी निस्बत दे दी है। मसलन रमज़ान मुबारक है, अब रमज़ान इस्लामी महीने के बगैर हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से हज का मौका है, वो इस्लामी महीने और चांद के बगैर वो हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से दीगर और इस तरह की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस इबादत हैं जिनका अल्लाह ताला ने, जो इस्लामी इबादत हैं जिनका ताल्लुक़ इस्लामी कैलेंडर के साथ है,
वो किसी और कैलेंडर के साथ मुमकिन ही नहीं है उनका होना। तो जो अल्लाह ताला ने इंसानों को जो इस्लामी कैलेंडर की सूरत में जो कैलेंडर दिया है, जिसके मुताबिक अल्लाह फरमाते हैं कि ये उस दिन से है यौम खलक अस्समावाति वल अर्द, जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया है ये उस वक्त से है। उसमें चूँकि हिसाब है चाँद का, और ये होता है एक चाँद के तुलू होने से दूसरे चाँद के तुलू होने तक का ये निज़ाम है, एक चाँद के तुलू होने से दूसरे। अब इसके अंदर जो कमी बेशी है वो अल्लाह जल्ला शानहू खुद पूर करते हैं, इंसानों के सुपुर्द नहीं किया कि किसी महीने किसी के 29 दिन कर लें, किसी के 30 दिन कर लें। वो निज़ाम अल्लाह ताला ने चाँद की जो तारीखें हैं उसका निज़ाम अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के साथ उसको हल किया है कि कोई महीना 29 दिन बाद चाँद नज़र आता है और किसी महीने में 30 दिन बाद चाँद नज़र आता है। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इस निज़ाम को हमने इंसानों के निज़ामुल औकात के लिए, इंसानों की जो है वो इबादात के लिए हमने मुकर्रर किया है। कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाते हैं यस अलूनका अनिल अहिल्ला, कि आपसे आके लोग पूछते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग आके पूछते हैं ये चाँद के मुतालिक हमें कुछ बताइए। तो फरमाया यस अलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाकीतु लिन्नास वल हज, लोगों को बता दीजिए कि ये लोगों के औकात के तायुन के लिए है, ये जो चाँद का एक वक्त में महीने के बाद निकलना है, फिर इसी तरीके से चाँद तुलू होता है, तुलू होने के बाद आहिस्ता 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 बुलंद होता है, हर दिन में इजाफा होता है। तो हमारे बुज़ुर्ग जो चाँद को देख कर, या बुज़ुर्ग ही क्या बल्कि दुनिया में वो लोग जो चाँद को देख कर निज़ाम चलाते थे, तो वो देखते थे उन्हें चाँद की के हुजम का रोज़ाना के अतबार से अंदाज़ा होता था कि आज चाँद इतनी मकदार बड़ा लग रहा है लिहाजा आज ये तारीख है, जबकि सूरज में या इसी तरीके से किसी और सिस्टम में ऐसा नहीं है, उससे रोज़ाना की तारीख का तयन नहीं हो सकता, बस वो एक लगा बंदा चल रहा है और चल रहा है, जब ज़रूरत पड़ी उसमें कमी कर ली, जब ज़रूरत पड़ी उसको तब्दील कर लिया, और फिर जब किसी तरह की कोई ऐसा मौका आया उसमें कोई और तहरीफ कर ली। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम इंसानों को दिया है उस निज़ाम में किसी तरह की कोई तब्दीली, किसी तरह का कोई तगैर, किसी तरह की कोई कमी बेशी उसमें कतई तौर पर नहीं हो सकती है। अल्लाह जल्ला शानहु इसको दूसरे मौके पर फरमाते हैं हुवल्लज़ी जा सूरह यूनस में हुवल्लज़ी जअलश्शम्स ज़ियाअ वल्क़मर नूरा وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب, कि अल्लाह ताला ने यानी वो ज़ात है कि जिसने सूरज को बनाया, इसी तरीके से जिसने सूरज को जिसने रोशन बनाया, रोशनी देने वाला बनाया, इसी तरीके से चाँद को अल्लाह जल्ला शानहू ने मुनव्वर किया, और इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इंसानों के महीनों और साल और औकात के वक्त का तायन फरमाया इंसानों के लिए। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने चाँद का निज़ाम बनाया है जो कि हमारे कमरी महीने हैं, जिसका गोया कि ये पहला महीना है मुहर्रमुल हराम, जिसकी आज 8 तारीख है। फिर इसी तरीके से सूरह यासीन में अल्लाह जल्ला शानहू इसका एक और बड़ा खूबसूरत नक्शा बयान करते हैं वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल लितअलमु وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ, कि हमने चाँद को हमने बनाया है यही लोगों के लिए उनके औकात, उनके वक्त, उनके महीनों के अंदाज़े मुकर्रर करने के लिए। और फिर ये एक दफ़ा तो उठता है और चलते 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 पूरे उरूज पे आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ढलना शुरू होता है और फिर बिल्कुल खजूर की एक शाख की तरह ये बन के रह जाता है। तो इसका अल्लाह ताला ने पूरा नक्शा कुरान मजीद, तो कुरान मजीद ने जो ये निज़ाम दिया है अब इसमें किसी तरह की कोई कमी बेशी ना दिनों में है, ना महीनों में है, ना वक्त में है, ना दिन में है, ना रात में है, और इसके मुताबिक इबादात का निज़ाम है। अगर हज करना है तो वह हज चाँद को देख कर किया जाएगा, अगर रोज़े रखने हैं तो वह चाँद को देख कर रखे जाएँगे, अगर ईद मनानी है तो वह चाँद को देख कर मनाई जाएगी। गोया मुसलमानों का पूरा सिस्टम चाँद के निज़ाम और कमरी महीने के अंदर है, लिहाजा मुसलमानों इसी बिना पर अल्लाह जल्ला शानू यहाँ फरमाया कि ये उस दिन से है यौम खलक अस्समावात वल, जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया और इंसान को बनाने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस दुनिया के अंदर रहने का जो निज़ाम वज़ा किया, फिर यही हमारी इबादात, इनको अल्लाह ताला ने दिन को भी 5 हिस्सों में मुकर्रर किया है, दिन को 5 हिस्सों में लोगों के लिए ताकि शेड्यूल बना दिया। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ निज़ाम है,
एक जदवल लोगों के सामने रख दिया कि सुबह से ले कर दोपहर तक का ये काम जो भी अपने हैं वो समेट लें और फिर अल्लाह जल्ला शानहु की बारगाह में हाज़िर हो जाएं। चूँकि इंसान जब सुबह के वक्त उठता है काम करने की उसके अंदर हिम्मत ज़्यादा होती है, वो हिम्मत के साथ मुसलसल काम करता रहता है और दोपहर को आके आराम करके फिर नमाज ज़ुहर पढ़ता है। फिर इसी तरीके से ज़ुहर के बाद असर का वक्त जल्दी आ जाता है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है, चूँकि ज़्यादा मेहनत करके पहले वो अपनी जो उसकी अपनी सलाहियत थी उसको सर्फ कर चुका है। अब फितरत इंसानी है, उसको थकन महसूस हो रही होगी, इसलिए थोड़ा टाइम दिया, फिर अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में झुकने का उसे वक्त दिया। उसके बाद फिर अगला मरहला जो टाइम उसके लिए है वो उससे भी कम कर रखा, ताकि ये सुकून के साथ अपने निज़ाम को इस शेड्यूल के और इस जदवल के मुताबिक तरतीब दे सके। हाज़रीन मोहतरम, इस्लामी साल की ये जो अहमियत है जो अल्लाह जल्ला शानहु ने अपने निज़ाम के अंदर इंसानों को अता फ़रमाई है, और हर हर दौर में अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको अपनाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी के मुतालिक हिज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो, ज़माना अपनी मुख्तलिफ हयातें तब्दील करता 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 आज हिज्जतुल विदा के मौके पर आज ज़माना अपनी जगह पे आ गया है। अपनी जगह पे आ जाने का मतलब ये था कि इससे पहले लोगों के अंदर जो तब्दीलियां हर वक्त करते रहे हैं, यानी इन इस्लामी महीनों को भी जो कि कमरी महीने थे इनमें भी लोगों ने अपने अपनी तरफ से तब्दीलियां की, लेकिन जो तब्दीलियां की उसको सख्त किस्म का गुनाह करार दिया, उसको कुफर करार दिया, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, तो ये इसको कुफर करार दिया, गोया कि ये इस्लामी शियार में से एक शियार है जिसका एहतराम और जिसकी क़दर करना मुसलमानों पर लाजम, और इसको उलमा ने शरीयत इस्लामिया में फ़र्ज़ किफ़ाया करार दिया है कि अगर मुसलमान इसको टोटली तौर पर छोड़ देंगे तो तमाम मुसलमान गोया के एक फ़र्ज़ को छोड़ने के इतने बड़े गुनाह के मुर्तकिब हैं, लिहाजा इसको इख्तियार करना। और जब इस्लामी हुकूमतें जब भी रहीं, आज चूँकि इस्लामी हुकूमत नहीं है, इस्लामी निज़ाम नहीं है, इसलिए ये भी कहीं भी किसी गवर्नमेंट की तरफ से ये नाफिज़ुल अमल नहीं है, और इसकी जो अथेंटिसिटी, इसकी जो हकीकत, इसका जो मयार और मकाम है दूसरे कैलेंडरों के मुताबिक, तो वो जिस तरीके से मैंने कुरान और सुन्नत से आपके सामने हवाले रखे हैं कि वो बिल्कुल इंसानी फितरत और इंसानी निज़ाम के मुताबिक है, इसमें एक सेकंड और एक लम्हे का भी कोई फ़र्क नहीं है। तो इसी तरीके से पूरे का पूरा दीन हमारा, ये तो एक मिसाल है, ये तो एक चीज़ है, इसी तरीके से हमारा पूरा दीन और अल्लाह जल्ला शानहु की तरफ से अता करदा और इंसान की फितरत के मुताबिक और इंसान की ज़रूरत के मुताबिक है। अल्लाह जल्ला शानहु हमें अपने दीन को समझते हुए, पढ़ते हुए, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां बनाने की तौफीक नसीब फरमाए, उसके क़याम के लिए, उसके नफाज के लिए अल्लाह ताला हमें जद्दोजहद करने की तौफीक नसीब फरमाए। योम आशूरा की जो नस्बत जनाब सैदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हम करते हैं, तो वो उनका जो मिशन था वो मिशन यही क़याम हक के लिए, क़याम दीन के लिए, दीन के नफाज के लिए वो निकले। ऐसा नहीं है नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह के महज़ वो कोई आप ज़ाती हैसियत से कोई इक़्तदार चाहते थे। अगर वो मदीना तैयबा के अंदर रहते, उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद था, लेकिन उनके पेश नज़र अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का क़याम, अल्लाह जल्ला शानहु की तरफ से दी हुई तालीमात का क़याम, और वो देखते थे कि जिस तरीके से जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निज़ाम हुकूमत रहा है, जिस तरीके से जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निज़ाम हुकूमत रहा है, जिस तरीके से जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निज़ाम हुकूमत रहा है, जिस तरीके से जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निज़ाम हुकूमत रहा है, जिस तरीके से सैयदना हसन और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का जिस तरीके से निज़ाम हुकूमत रहा है, क्योंकि जब सैयदना हसन और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान जब मुफाहमत और सुलह हो रही थी, उस वक्त जो शरायत जनाब सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश की, उन्होंने उस मौका पर जो शर्त पेश की, फरमाया कि देखो सैयदना अमीर मुआविया, कि मैं आपके हाथ पर बैत करता हूं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हुकूमत उस तरह करोगे जिस तरीके से अबू बकर और उमर ने जिस तरीके से हुकूमत की थी। तो जनाब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही मुतालबा था यजीद से
कि हुकूमत उस तरह की जाए जिस तरह अबू बकर और उमर और उस्मान और अली ने जिस तरीके से हुकूमत की है। इसी मिशन पर आज हमारा भी यही मुतालबा है जो जनाब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुतालबा था कि मुसलमानों का निज़ाम हुकूमत उसी तरह होना चाहिए जिस तरह जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरीके से करके दिखाया और पूरी दुनिया को अदल मिला, इसी तरीके से जनाब सैयदना उमर ने जिस तरीके से किया। तो वो निज़ाम आज भी अगर आता है तो वो सारी बरकात अपने साथ रखता है और वो हकीकत और जो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है वो अपने अंदर रखता है जिसकी इंसान को ज़रूरत है। जे हमें इस दुनिया के अंदर जो खून खराबा, फसाद, बदअमनी जो नज़र आती है इसके खात्मे का यही हल है कि वो निज़ाम जिसका सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुतालबा था, वो निज़ाम जो खिलाफत राश्ता की सूरत में इंसानियत को जो मुयसर आया उस निज़ाम को कायम कर दिया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम हो सकता है। अल्लाह जल्ला शानहू हमें इसके लिए जद्दोजहद करने की तौफीक नसीब फरमाए। फिर 10 मुहर्रमुल हराम का दिन ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन रोज़े का अहतमाम फरमाया। जब आप मक्का मुकरमा में थे और रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो मक्का मुकरमा में इस दिन के रोज़े को फ़र्ज़ रोज़े की तरह रखा जाता था। मदीना तैयबा में आए तो वहाँ पता चला कि यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। बुखारी शरीफ की रवायत है, पूछा गया यहूदियों से कि तुम रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को फिरौन और उसकी कौम से निजात मिली थी, हम शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो निस्बत हमारी तुमसे ज़्यादा है क्योंकि जिस सच्चे दीन को उन्होंने लोगों के सामने बयान किया तो आज उस सच्चे दीन के वारिस तो और दाई तो हम हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा साल हम दो रोज़े रखेंगे, 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का या 11 मुहर्रम का। इसलिए अल्लाह जल्ला शानहु जिनको तौफीक दें इस दिन का वो रोज़ा रखें। शुहदाए करबला भी गोया के रोज़े की हालत में थे, चूँकि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपका पूरा खानवादा जिस तरीके से वो मुत्तबे सुन्नत था तो आज हमारे सामने एक मिसाल और एक नमूना है। फिर अल्लाह जल्ला शानहु हमें उन्हीं वाली जद्दोजहद करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। الحمد لمن تقدس بصفاته العليا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة أما بعد أيها الإخوة المؤمنون ما ورد في يوم عاشوراء في تراث الإسلام فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة المنورة مهاجرا وجد يهودها يصومون عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، رواه الإمام البخاري. وفي رواية للبخاري أيضا أن يوم عاشوراء كان أهل خيبر يعني اليهود يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فصوموه أنتم، وغرض النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مخالفة اليهود بصيام الذي يفطرون فيه لأن يوم العيد لا يصام. ومن الأحاديث الواردة في فضل يوم عاشوراء قوله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر الذنوب السنة التي قبله، رواه إمام مسلم. كما يستحب أن يصام معه اليوم الذي قبله التاسع يسمى تاسوعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع بقوله في الحديث الذي رواه مسلم فإذا كان العام المقبل
ان شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم ياتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنه فان السنه تهدي الى الاطاعه ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى واياكم والبدعه فان البدعه تهدي الى المعصيه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى وعليكم بالصدق فان الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمه الله فانه ارحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجملوا في الطلب وتوكلوا فان الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد من صلى وصام وصل على نبي الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى اله واصحابه اجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا ومن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله زوالي الارض فرايت مشارقها ومغاربها فان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها تعادلوا عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى اولى واتم واهم واكبر والله يعلم ما تصنعون